एज्युकेशनल व्हिडिओ पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका. द क्वेश्चन इज यूजिंग द फॉर्म्युला वी कैन फाइंड द 100th टर्म ऑफ ए बी 5, 8, 11, 14. मेरे जो सीक्वेंस है वो क्या है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन. मुझे फाइंड आउट करनी है 100th टर्म. फाइंड 100th टर्म. अब इसके लिए ऑब्वियसली मैं 100 टाइम अगर डी ऐड करने जाऊंगा तो इट्स गोइंग टू यू नो कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम. सो इंस्टेड व्हाट एम आई गोइंग टू डू, इसके अंदर अगर मैं देखूं ए क्या है मेरी फर्स्ट टर्म विच इज 5, इजंट इट. डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का. सो डी हो जाएगा मेरा 8 - 5 विच इज इक्वल टू 3. ए मुझे पता है, डी मुझे पता है, मुझे क्या निकालना है 100th टर्म. सो टी 100 कितना होगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यही फॉर्मूला था टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो टी 100 हो जाएगा ए मतलब कि 5 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 विच विल बी इक्वल टू 5 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 इंटू 3. 99 इंटू 3 कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 5 प्लस 297. 5 प्लस 297 इज 302. सो 302 इज द 100th टर्म ऑफ दिस एपी. इस एपी के अगर हम एक्सीड करते जाए बढ़ाते जाए तो 100th टर्म जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 302. सो इस तरीके से हमें पता कर सकते हैं किसी भी टर्म की वैल्यू को थ्रू दिस फॉर्मूला. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. ठीक है, और एक क्वेश्चन इसी में पूछा गया. लेट्स चेक वेदर 61 इज इन दिस एपी टू फाइंड द आंसर. ओके, अब हमें चेक करना है क्या 61 इस एपी में है या नहीं है. मतलब कि क्या कहा गया कि जो टर्म है वो 61 है. सो बेसिकली मुझे फॉर्मूला पता है क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यही है मेरा फॉर्मूला. मुझे चेक करना है 61 इस एपी की टर्म में है या नहीं है. हाउ कैन आई डू इट. सो अगर मैं यहां पे टीएन की जगह ले लू 61 तो मुझे पता चल जाएगा एन की कौन सी वैल्यू के लिए इस एपी की वैल्यू 61 आने वाली है. तो ये हो जाएगा ए. ए कितना है मेरा, ए इज 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरा 3. तो 61 माइनस 5 हो जाएगा ये इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3. 61 माइनस 5 इज 56. सो 56 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3. 3 डिविजन में आ जाएगा. सो 56 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1. ये माइनस 1 यहां एडिशन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 56 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एन. सो अगर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन. सो एन इज इक्वल टू 59 अपॉन 3. एन कितना आ रहा है 59 अपॉन 3. जो कुछ फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन की तो कोई भी टर्म हम काउंट नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि इट हैज टू बी एन इंजीनियर फर्स्ट एंटीजर. सॉरी, फर्स्ट टर्म हो सकती है, सेकंड टर्म हम 1.5th टर्म वी कैन नॉट कैलकुलेट ऑब्वियसली, इजंट इट, इट्स अ सीक्वेंस. सो जो n जो है वो 59.3 आ रहा है विच इज इन फ्रैक्शन. तो ये जो है 61 जो है वो इस सीक्वेंस के अंदर नहीं लाइक करेगा. दो कोई नंबर्स है उनके बीच में कहीं पे लाइक करेगा, बट उस सीक्वेंस में जो है वो लाइक नहीं करने वाला है. सीक्वेंस के अंदर 61 नंबर नहीं होगा. सो अब देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस. अब ये कुछ सॉल्व क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के. फर्स्ट इज फाइंड टी वन फॉर एन एपी एंड देन फाइंड टी एन फॉर एन एपी एंड देन फाइंड 30th टर्म ऑफ एन एपी. अब टी एन, ठीक है, देखते हैं. अब आपको इसके एक्सप्लेन करता हूं. सीक्वेंस इज 3, 8, 13, 18. 3, 8, 13, 18 ये है हमारा सीक्वेंस, इजंट इट. सो ये है हमारा एपी, गिवन एपी. ओके, अब इसमें ए क्या होती है फर्स्ट टर्म विच इज 3. डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस किन्हीं भी दो टर्म्स का डिफरेंस, मतलब कि 8 माइनस
3 which is equal to 8 minus 3 is 5. Common difference आगे मेरे पास 5 और A है मेरे पास first term that is 3. मुझे सबसे पहले Tn पता करना है. Tn क्या होता है मेरे पास? Tn is equal to A plus n minus 1 into D. मुझे nth term पता करनी है. Nth term मतलब general term, n को n ही रहने देना है, बाकी सारी terms की value को पता करना है. So Tn will be equal to A, A कितना है मेरे पास? 3 plus nth term मतलब n को मैं n ही रखूंगा, n minus 1 into D कितना है मेरे पास? 5. तो ये हो जाएगा 3 plus n minus 1 into 5, यही होगा. अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3 plus 5n minus 5, तो ये हो जाएगा 3 minus 5 कितना होता है? minus 2, तो ये हो जाएगा 5n minus 2. ये है Tn. कितना आ रहा है हमारे पास? 5n minus 2. So Tn की जो वैल्यू है that is 5n minus 2. अब मुझे इसी में क्या पूछा गया है कि find 30th term of the AP. 30th term means n will be equal to 30, isn't it? So T30 will be equal to 5 into n. 30th, n 30 है मेरा. So 5 into 30 minus 2. 5 into 30 कितना होता है? 150 minus 2. That is equal to 148. So T30, जो इसकी 30th term होगी, वो होगी 148. So इस तरीके से अगर हमें कभी भी nth term निकालने को कहा गया है, तो उस वक्त हम n को n ही रहने देंगे और उसको फिर सॉल्व करेंगे keep, by substituting the value of a and d. n को n ही रखो, वो हमेशा n की एक टर्म और एक कांस्टेंट के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद हमें जो भी वैल्यू निकालने को बोली n की डायरेक्टली वहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम हमारी उस पर्टिकुलर टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी इज 560. ओके, मुझे पूछा गया कि कौन सी टर्म या कितवी टर्म इसमें 560 होने वाली है, कितने नंबर की टर्म 560 होगी. सो एग्जांपल 2, हमारा जो एपी दैट इज गिवन टू अस इज 2, 11, 20, 29. एपी कितना है हमारे पास? 2. दिस इज सॉल्वड एग्जांपल. 2, 11, 20, 29, ये हमारा एपी है. सो इसमें ए कितना होगा? फर्स्ट टर्म दैट इज 2, और मेरा डी कितना होगा? कॉमन डिफरेंस व्हिच इज दोनों का सब्ट्रैक्शन. सो 11 माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 9. सो डी है मेरे पास 9 और ए है मेरे पास 2. मुझे पता करना है इस एपी की कितवी टर्म होगी 560. सो मुझे एक चीज पता है क्या? Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इजंट इट? nth टर्म कौन सी है मेरे पास? 560. सो दिस इज इक्वल टू ए व्हिच इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है मेरे पास? 9. तो 560 माइनस 2 विल बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9. 560 माइनस 2 मतलब 558 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9. 9 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 558 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू n माइनस 1. 558 डिवाइडेड बाय 9 विल बी इक्वल टू, अगर 3 से करता हूं पहले, तो ये हो जाएगा 186. तो ये हो जाएगा 186 टू, अगर 2 से किया तो 25 इज 80 एंड देन 1 इज 6. 186 इज डिवाइडेड बाय 3, और 186 भी 3 से जाता है व्हिच इज इक्वल टू 63. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू, सो व्हिच इज बेसिकली मेरा आंसर आ रहा है 63 इज इक्वल टू n माइनस 1. माइनस 1 यहां जाएगा तो ये हो जाएगा 63 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो n विल बी इक्वल टू 64. सो इस एपी की 64th टर्म विल बी इक्वल टू 560. अगर हमें टर्म डायरेक्टली गिवन है, सो दे विल ऑलवेज आस्क फॉर कि कौन से नंबर की टर्म थी. अगर हमें n गिवन है तो दे विल मोस्टली, मतलब ये एक जनरल क्वेश्चंस होते हैं कुछ, कि हमें अगर a पता है, हमें d पता है, हमें एक टर्म पूछी है, तो ऑब्वियसली पूछेंगे कौन से नंबर की टर्म है. और अगर वो हमें n दे रहे हैं कि इतनी टर्म निकालो, तो हमें पता करना है tn कौन सा है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन इज टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कब क्वेश्चन में tn गिवन है और कब क्वेश्चन में n गिवन है. कि कब, कभी कभी हम tn और n में कंफ्यूज हो जाते हैं. ऐसा भी हो सकता था कि आप क्वेश्चन को समझ लेते कि 568th टर्म, बट हमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 560, मतलब कि टर्म कौन सी है जो 560 है, मतलब कि मुझे n ही निकालना था.
देखते हैं और एक क्वेश्चन ताकि आपको और कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ऑन द रिगार्डिंग हाउ टू फॉर्मूला और इक्वेशन. नेक्स्ट इज चेक वेदर 301 इज इन द सीक्वेंस. ओके, एक सीक्वेंस मुझे गिवन है और मुझे पता करना है 301 उसमें लाइक करेगा या नहीं करेगा. अगेन हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर मुझे देखना है तो मैं tn को 301 ले लूंगा और मैं n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा. अगर n एक प्रॉपर इंटीजर आ रहा है तो इसका मतलब कि मैं कि वो जो टर्म है वो हमारे सीक्वेंस के अंदर लाइक कर रहा है. अगर n कोई फ्रैक्शन आ रहा है इट मींस दैट नंबर विल नॉट लाई इन आवर सीक्वेंस. ओके, सो नेक्स्ट हम चेक करते हैं एक बार सीक्वेंस इज 5, 11, 17, 23 5, 11, 17, 23 यही है. यस, अब इसके अंदर मेरा टर्म वन क्या है मतलब कि a इज इक्वल टू 5, d क्या है मेरे पास दोनों किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 6. a है मेरे पास 5 और d है मेरे पास 6. मुझे एक चीज पता है tn क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d. अब tn मुझे पता है कितना मुझे पता करना 301 इसमें लाइक करेगा यानी तो मैं tn की जगह पे 301 सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो अगर ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है तो 301 माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d. तो 301 माइनस 5 इज 296. सो 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d. तो ये n माइनस 1 हो जाएगा. n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 296 डिवाइडेड बाय d. कितना है मेरे पास मुझे d की वैल्यू पता है विच इज 6. सो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले से ही तो डिवाइडेड बाय 6. 296 इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ओके, पहले 1 को वहां लेके चले जाते हैं क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 6. तो 1 को मैं अगर वहां लेकर जाऊं तो n की वैल्यू हो जाएगी 296 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1. वहां नेगेटिव है यहां के पॉजिटिव हो जाएगा. LCM अगर मैं लू ये हो जाएगा 296 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 302 डिवाइडेड बाय 6. 302 ये n की वैल्यू 302 अगेन इज नॉट डिविजिबल बाय 6 कंप्लीटली. ये फ्रैक्शन में ही आ रहा है. अगर मैं 2 से कर भी दूं तो ये हो जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 3 विच इज अगेन नॉट डिविजिबल बाय 3. सो ये जो नंबर है 301 दिस डज नॉट लाई इन द गिवन एपी और इन द गिवन सीक्वेंस. क्यों? क्योंकि जो n की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ रही है. Isn't it? और हम फ्रैक्शन वाली वैल्यूज को कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम उनको काउंट नहीं करते हैं. वी डू नॉट टेक देम इन अकाउंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल है हमारे पास हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. ओके, अब कहा गया है कि कितने टू डिजिट नंबर्स है जो डिविजिबल है 4 से. ओके, तो 4 की टेबल में आने वाले हम लोग सारे अगर डिजिट्स देखें तो कौन कौन सी चीजें आती है 4, 8, 12, 16, 20 एंड सो ऑन. मतलब कि 4 और 8 तो हुए वन डिजिट नंबर. हमें कौन से पता करें टू डिजिट नंबर्स. मतलब 12 से हमारा एपी शुरू हो रहा है. सो हमारा एपी क्या है द टू डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 8 इज 12, 16, 20 अप टू 96. Isn't it? 96 वो लास्ट डिजिट है जो डिविजिबल है 4 के साथ. इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. अदरवाइज व्हाट कैन यू डू 4 है सॉरी जो लास्ट जो डिजिट है थ्री डिजिट नंबर सॉरी फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा होता है 100 को डिवाइड कीजिए 4 के साथ. Isn't it? It gives us some 25. So, उससे जस्ट पहले वाली टर्म कौन सी होगी दैट इज डिविजिबल बाय 2. सो 100 फर्स्ट थ्री डिजिट वाली टर्म है. सो 100 इंटू 4 सॉरी डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा 25. उससे जस्ट पहले वाली जो टर्म है वो कौन सी होगी 24. सो 24 इंटू 4 आप कीजिए तो फिर इट विल गिव यू 96. 24 इंटू 4 इज 96. सो ये जा रहा है 96 तक. अब मुझसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4. मतलब मुझे पता करने की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कौन कितनी है मुझे बेसिकली वो पता करना है. ए कितना है मेरे पास फर्स्ट डिजिट दैट इज 12 और
डी कितना है मेरे पास, दोनों दो किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, दैट इज 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4. अब मेरे पास ए पता है, मुझे डी भी पता है. अब मुझे क्या पता करना है कि 12 से अगर कोई एपी शुरू हो और तो 96th टर्म उसकी कौन सी टर्म होगी. बेसिकली अगर मैं ये पता कर लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 12 से 96 के बीच में कितनी टर्म्स है. सो बेसिकली हम वही करेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. मुझे n पता करना है कि 96th कितनी टर्म है इफ एन ए पी स्टार्ट्स फ्रॉम 12. सो tn मतलब कि 96 इज इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है मेरे पास 4. तो 96 माइनस 12 is equal to n minus 1 into 4. 96 में से 12 minus किया ये हो गया 84 is equal to n minus 1 into 4. 4 से अगर मैं इसको divide करता हूँ ये हो जाएगा 21 is equal to n minus 1. क्यों 4 से 84 को divide किया है 21. So n की जो value होगी वो होगी 21 plus 1 plus 1 क्यों ये minus 1 है ये वहाँ जाके होगा plus 1 which is equal to 22. So total 22 terms are there that are of two digits and are divisible by 4. So 22 two digit numbers are there that are divisible by 4. देखते हैं और एक question. The question is the 10th term and 18th term of an AP are 25 and 41. ठीक है, क्या question का 10th term कितनी है हमारे पास 25 and 18th term This is 41. मतलब nth term कितने है? अब मुझे n पता है basically उसके लिए, है ना? तो मुझे एक formula पता है कौन सा? Tn is equal to a plus n minus 1 into d, isn't it? Tn अब 10th term मतलब कि t10 कितनी है मेरे पास 25. So 25 is equal to a plus n minus 1. N कितना है मेरे पास 10th term है. So 10 minus 1 into d. The same way अगर 18th term की बात करें 18th term कितनी है हमारे पास 41. So 41 basically T18. So T18 कितनी हमारे पास 41 is equal to A plus N. कितनी है 18th? N is 18 minus 1 into D. Isn't it? So अब इसकी अगर इसको अगर हम थोड़ा सा solve करें, simplify करने की कोशिश करें, ये हो जाएगा 25 is equal to A plus 90. और इसको अगर मैं लिखूं तो I can write it as 41 is equal to A plus 17 times of D. इसको मैं ये लिख सकता हूं, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2. अब मुझे करना है इन दोनों को सॉल्व. हाउ कैन आई डू इट? यहां पे देखिए ये a है, यहां पे भी a है. आई कैन सबट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस. आई कैन राइट दीज इक्वेशंस एज ये फर्स्ट था. अगर मैं इसमें से सबट्रैक्ट करूं सेकंड वाले को, आई कैन राइट 41 इज इक्वल टू a प्लस 17d, इजंट इट? माइनस माइनस माइनस, a माइनस a कैंसिल. 9 माइनस 17 विल गिव अस माइनस 8 d is equal to, or 25 minus 41 it will give me minus of 16. So minus minus cancel out ho jayega aur dono taraf plus ho jayega, aur d ki value will be equal to 16 by 8 which is equal to 2. So d ki value aayi hai 2. So ab d ki value ko mujhe pata chal chuki hai 2 hai. Mujhe ab kisi bhi ek equation, I can use either of the equations to find the value of a. I am substituting d is equal to 2 in equation 2. So d substituting D is equal to 2 in equation 2. तो मुझे क्या मिल जाएगा? I'll get 41 is equal to A plus 17 into 2. So अगर देखा जाए, so if I'll so I'll get 41 is equal to A plus 17 into 2 is 34. यहाँ पे जाके subtraction में आ जाएगा 41 minus 34 is equal to A. So A की value आ रही है 7. So A is equal to 7 and D is equal to 2. So अगर तो वो AP जिसकी first term है 7 और D है common difference है 2, उसकी 10th term होगी 25 और उसकी 18th term होगी 47. अब इसमें और एक question पूछा गया है. अब इसी की continuity में अब मुझे A पता है, मुझे D पता है. Now I'm rubbing this equation. A is equal to 7 and D is equal to 2. अब इसमें पूछा गया है, then find 38th term of an AP. Similarly, if nth term is equal to 99, find the value of n. तो पहले चलते हैं, find 38th term of an AP.
ए कितना है मेरे पास 7, डी है मेरे पास 2, मुझे निकालना है 38th टर्म, मतलब कि T38 वो कितना होगा ए प्लस 38 माइनस 1, इजंट इट एन माइनस 1 इनटू डी, सो इसको फिलहाल एन लिख लेते हैं, सो ए इज 7 प्लस एन कितना है मेरा 31, सो सॉरी 38 माइनस 1 इनटू डी, डी इज 2, सो अब मैं यहां पे लिख सकता हूं 7 प्लस 38 माइनस 1 इज 37 इनटू 2, 37 इनटू 2 विल बी इक्वल टू 74, 74 प्लस 7 इज 81, सो T38 इज इक्वल टू 81, सो 81 इज द 38th टर्म ऑफ एन ऑफ द गिवन एपी। इसी में अब मुझसे पूछा गया सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मतलब कि nth टर्म कितनी है मेरे पास 99, मुझे n पता करना है कितना होने वाला है, सो tn कितना है मेरे पास 99, सो हो जाएगा 99 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, तो ये हो जाएगा 99 इज इक्वल टू a इज 7 प्लस n माइनस 1 इनटू 2, n 99 माइनस 7 यहां पे हो जाएगा 99 माइनस 7, क्यों यहां पॉजिटिव है यहां के माइनस हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा n माइनस 1, सो आई कैन राइट इट एज 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2, 99 माइनस 7 इट मींस इट विल बी 92 इज इक्वल टू 2n माइनस 2, ये 2 यहां के पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 92 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n, सो ये हो जाएगा 94 इज इक्वल टू 2n, तो n की वैल्यू क्या होगी 94 डिवाइडेड बाय 2 व्हिच विल बी इक्वल टू 47, सो n इज इक्वल टू 47, मतलब कि अगर वो टर्म 47th टर्म ऑफ द एपी विल बी इक्वल टू 99, सो इस तरीके से अगर हमें कोई भी दो टर्म पता हो कि किसी भी एपी की तो, और पता हो कितवी टर्म है द nth टर्म मुझे पता हो कोई भी दो, तो मैं बाकी सारी कोई भी चीज निकाल सकता हूं एपी के अंदर, कैसे बाय फर्स्टली फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, और अगर ए और डी मुझे पता है तो मैं बाकी सारी चीजें ऑब्वियसली निकाल सकता हूं। अब हम